जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर उनको परेशान तो नहीं कर सकते ना। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, मगर आपकी कार्रवाई भी नहीं आगे बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, मगर ये आखिरी बार होगा। क्या बात है बेटा, किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी मामू, अनमोल को स्टेशन बुला रहे हैं। क्यों बुलाया है अनमोल? अब क्या थाने जाया करेगी? बेटा तुम उनसे बात करो ना कि हम दोनों के जाने से क्या कार्रवाई मुकम्मल हो सकती है। मामू मैं कब से उनसे यही बहस कर रहा हूँ, मगर उनकी एक ही रट लगी हुई है कि मकतूल की बेवा की सिग्नेचर चाहिए उन्हें। उनसे कहो कि मकतूल की माँ के दस्तखत ले लें, जिनकी कोताहियों की वजह से आज उनका बच्चा इस दुनिया में ही नहीं रहा। कबीर आप जाके अनमोल को यहाँ ले आए, वो वहां रहेगी तो इसी तरह जेलों के और थानों के चक्कर काटते रहेगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं ना आपा का मोहल्ला। आपको पता है सोयम में भी तरह तरह की बातें मेरे कानों तक आई हैं। मामू मुमानी ठीक कह रही हैं, अनमोल वहां पे महफूज नहीं है। ऐसे कैसे मैं अनमोल को यहां ले आऊं? आपा क्या सोचेंगी? या अल्लाह कबीर, आपको अभी भी अपनी बहन की फिक्र है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी काश आपा ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की होती, अच्छी परवरिश की होती उसकी, उसकी सारी फरमाइशों को पूरा ना किया होता, उसको तालीम पे, उसकी तरबियत पे तवज्जो दी होती, तो आज हमारी बच्ची ना इस उम्र में बेवा ना होती। मैं मानता हूँ, लेकिन मामू आप खुद भी तो सोचे ना, जिन लोगों ने अरसलान को मारा वो अभी तक फरार हैं। सोचिए 8 लाख रुपए के लिए उन्होंने ये कर दिया, वो कुछ भी कर सकते हैं। आदिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप जाके हमारी बच्ची को यहाँ लेकर, आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको देखें। वो वहां रहेगी ना तो पागल हो जाएगी कबीर, हमारे पास आएगी तो कम से कम हम उसकी जिंदगी को नया रंग दे पाएंगे। जी ठीक है, मैं आपस से बात करता हूँ। हम पुलिस स्टेशन तुम्हारे साथ जाएंगे और आपने जो तैयारी करनी है आप कर लें। हाँ बोलो। शुक्र तुमने फोन उठाया। वो माँ बाथरूम में है और मज़र किसी काम से बाहर गए, इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठा लिया। नो तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम पर इतनी बड़ी कयामत टूटी है, तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है? मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब तुम्हारे साथ कम से कम कुछ तो अच्छा हो जाए।